नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा किस तरीके से पर्सनल लोन देता है और उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि हम पर्सनल लोन लेते क्यों। देखिए, जब भी आप किसी से पर्सनल लोन लेते हैं किसी बैंक में जाके, तो बैंक कभी आपसे नहीं पूछता कि आपको किस पर्पज के लिए चाहिए। पर्सनल लोन एक ऐसा लोन होता है जिसको आप किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके यहाँ शादी ब्याह है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, घर के रिनोवेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, टूर एंड ट्रेवल पे जाना है आपके, या फिर कहीं आपके कुछ एक्सपेंसेस हैं जो आपको रिकवर करने हैं, तो इन सब चीजों के लिए आप पर्सनल लोन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर बैंक है, तो यहाँ की रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राइवेट बैंकों के मुकाबले बहुत कम होती है। 10.2 से शुरू होते हुए 13.95 तक जाती है। थोड़ा बहुत अगर यदि आपकी सिविल खराब होती है तो हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़े। आपको ये लोन 7 साल के लिए मिलता है, मतलब 84 महीने तक का टाइम होता है आपको लोन रिपेमेंट करने का। उससे कम का पीरियड आप चूज कर सकते हैं। आपकी उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए अगर आपको ये लोन लेना है तो। अब बात करते हैं कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। देखिए, इसके लिए कोई भी सैलरीड क्लास व्यक्ति एलिजिबल है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में या किसी बड़ी कंपनी में काम करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल और बिजनेसमैन इस वाले लोन के लिए एलिजिबल है। अब बात करती है कि किसको कितना लोन मिलता है। देखिए, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर नहीं है तो बैंक आपको 2 लाख तक का लोन देगा। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर है तो बैंक आपको अनलिमिटेड लोन दे सकते हैं आपकी सैलरी के ऊपर। सिक्योरिटी, जैसा कि आपको पता है कि पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन है, इसमें आपको किसी तरह की कोई सिक्योरिटी बैंक को नहीं देनी होती। विदाउट एनी कोलैटरल आपको ये लोन मिलता है। सिविल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। अगर सिविल स्कोर आपका कम से कम 650 के ऊपर होना चाहिए। अगर सिविल में किसी तरह का डिफॉल्ट है या आपकी सिविल खराब है तो बैंक आपकी लोन की फाइल को रिजेक्ट कर देगा। अब बात आती है लोन अमाउंट। बैंक ऑफ बड़ौदा में कम से कम 50,000 का, ज्यादा से ज्यादा 20 लाख तक का आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। प्रोसेसिंग फीस बैंक ऑफ बड़ौदा में 2,000 है, जिसमें मिनिमम 1,000 रुपए और मैक्सिमम आपको 10,000 रुपए प्लस GST देनी पड़ती है। डॉक्यूमेंट रुपया बहुत सिंपल है। एप्लीकेशन फॉर्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 1 साल का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, 3 महीने की सैलरी स्लिप और 2 साल का फॉर्म 16 या ITR रिटर्न आपको चाहिए। जिस भी स्टेट में आप रहते हैं वहां पर जो भी स्टाम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है वो आपको पेमेंट करनी होगी। ये पेमेंट आपको आपकी जेब से ही करना पड़ेगा। डिसबर्समेंट सीधा आपके बैंक सेविंग अकाउंट में करता है बैंक। और आपके जब आप पर रीपेमेंट की बात आती है तो आपके सेविंग अकाउंट से रीपेमेंट होता रहता है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आपके सेविंग अकाउंट में लगा दी जाती है। इसका ये मतलब होता है कोई भी एक स्पेसिफिक डेट जो आप चूज करके देते हैं, बैंक उस तारीख को कंटिन्यूसली हर महीने आपके सेविंग अकाउंट से पैसा डिडक्ट करके लोन अकाउंट में डाल देगा। अगर आप ये लोन जल्दी बंद करवाना चाहते हैं तो 2% पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके ऊपर। अप्लाई करने के लिए आप सीधा स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में चले जाइए, वहां ब्रांच मैनेजर से मिलिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट जो जो मैंने बताया वो लेके जाएंगे, तो हो सकता है 2 घंटे के अंदर आपको लोन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन।